हेलो गाइस वेलकम टू दी इंडियन हैंड कीपर तो आज हम देखने वाले हैं कि क्वीन एंड कैसे पकड़ते हैं तो ये कुछ क्वीन एंड्स है जो मैंने ये सेल पकड़े हैं मैंने सेल अराउंड फिफ्टी क्विनाट्स पकड़े हैं मैंने लोअर के अंदर भी और बहुत सारे क्वीन एट्स रखे हैं तो मुंबई में लास्ट वीक ही नक्शल फ्लाइट्स स्टार्ट हो गए थे तो ये सब क्विंस मैंने लास्ट वीक ही पकड़ लिए थे तो आप देख सकते हो कि सब ने एग्ज भी लेकर दिए है पर बहुत सारे जगहों में अप्रैल के मंथ में ये नक्चल फ्लाइट स्टार्ट हो गए थे पर मुंबई में लास्ट वीक बारिश हुई थी तो नक्चल फ्लाइट स्टार्ट हुए पर मैं जानता हूँ कि ये वीडियो में थोड़ा लेट बना रहा हूँ पर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा क्योंकि जुलाई तक नक्चल फ्लाइट से रहेंगे तो आप भी इमरजे से क्विन्स पकड़ पाओगे और ये साल कॉलोनी से रेस कर पाओगे तो मैं वीडियो में आपको बताऊँगा कि मैंने क्वीन कहाँ कहाँ पकड़े थे तो चलिए शुरू करते हैं क्वीन एंड किधर पकड़ते हैं ये बताने के पहले मैं आपको नक्सल फ्लाइट्स के बारे में बताना चाहूँगा अब्सल फ्लाइट्स ये कॉलोनी के लाइफ साइकिल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है ये वो टाइम है जब कॉलोनी की क्वीन रिप्रोडक्टिव्स प्रोड्यूस करना चालू करती है ये रिप्रोडक्टिव्स में विंग्ड मेल और फीमेल एंड्स होते हैं और जो मेल्स होते हैं उन्हें डोन्स कहते हैं और जो फीमेल्स होते हैं उन्हें प्रिंसेस कह सकते हैं और इन विंग्ड एंड्स को आलिट्स बोलते हैं तो होता यह है कि जब बारिश होने के बाद जब, जब, जब जमीन गीली और नरम हो और हवा में अच्छी खासी नमी हो तो अलग अलग नेस से साथ में हमारे जो प्रिंसेस होती है और जो ड्रोन्स होते हैं जिन्हें हम नर और मादा बोल सकते हैं वो साथ में उड़ते हैं और हवा में मिलन करते हैं तो मिलन के टाइम एक मादा चीटी बहुत सारे नरों के साथ मिलन कर सकती है और मिलन होने के बाद जो नर होता है उसको कुदरत ने ऐसे बनाया होता है कि वो खुद खा नहीं सकता उसको वर्कर्स को खिलाना पड़ता है तो वो मिलन करने के बाद उसके पास ताकत नहीं होती है और मर जाता है और जो हमारी मादा चीटी होती है वो ज़मीन पर है, है और अपने पंखों को निकालती तो है जब उसके पंख होते हैं उसे अलर्ट कहते हैं और उसके पंख निकालने के बाद उसे डी अलर्ट कहते हैं तो मादा चीटी जमीन में उतरने के बाद एक अच्छा खासा जगह ढूंढती है जहाँ वो अपने अंडे दे सके तो फिर अंडों से वर्कर निकलते हैं ऐसे एक कॉलोनी शुरू होती है तो फिर ये जो कॉलोनी होगी वो दो साल बाद वापस अपने एलर्ट्स प्रोड्यूस करेगी और ये प्रोसेस चलते जाएगा तो ये एक एनुअल फंक्शन की तरह होता है एंडस के लिए और ये हर साल होता है तो जब हमारी मादा चिटी स्लैश कोट स्लैश डे अलेट है वो एक चैम्बर बनाने के लिए जगह ढूंढती है और इस चैम्बर को क्लोस्ट्रल सेल कहते हैं तो इस क्लोस्ट्रल सेल के अंदर वो एग्स ले करेगी फिर उसके जो विंग मसल्स है उसे कुछ एंजाइम्स के उपयोग से एक प्रोटीनिशियस फ्लूड बना बनाती है जो अपने फर्स्ट वर्क उसको खिलाती है तो हम एंड कीपर्स का काम है कि हम उस क्वेन एंड को उसके एक चेम्बर बनाने के पहले पकड़ें और हमारे टेस्ट्यूब सेटअप में रखें जो उसके क्लोस्टर सेल की तरह दिखता है ताकि वो हमारे टेस्ट्यूब सेटअप में एक्सरे कर पाए तो एन ऑफ्सल में मेरे को इतना ही बता रहा था तो हम अब बात करेंगे कि आप क्वेन एंट कैसे कर सकते हैं तो आपने अपने लाइफ में क्वेन एट्स पहले भी देखे होंगे और आप उन्हें आइडेंटिफाई नहीं कर पाए होंगे तो मैंने आई बटन में एक वीडियो का लिंक होगा जिस पर मैंने क्वीन एट कैसे आइडेंटिफाई करें इस पर बात किया था तो आप उस वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं तो अब मैं जानता हूँ कि कोरोना वायरस सिचुएशन के कारण आप बाहर नहीं जा पाते हो तो हम आप देखते हैं कि आप अपने घर पर क्वेन कैसे पकड़ें यूजली आपको बारिश होने के बाद क्वेन के लिए हंट करना चाहिए अगर चार पाँच बजे तक अगर आपके एरिया में बारिश हो जाती है तो आपको रात के सात नौ बजे तक बहुत सारे क्वीन दिख जाएंगे तो इस टाइम पे फ्लाइट होंगे तो इस टाइम पर आप अगर आपके घर के ट्यूबलाइट से आपके बालकनी के लाइट्स को देखेंगे तो आपको पंखों वाली चीटियाँ दिखेंगे तो इसमें आपको क्वीन एंड और मेल्स दिखेंगे तो अगर आपने मेरी आइडेंटिफिकेशन वाली वीडियो देखी होगी तो आपको क्वीन एंड्स को आइडेंटिफाई करने पता चल जाएगा क्वीन एंड और मेल्स जो होते वो ट्यूबलाइट से क्यों अट्रैक्ट होती क्योंकि ओल्डन डेज में जब इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी तो तभी मून एक अकेला सोर्स ऑफ लाइट था तो एक बेकन की तरह था जो उन्हें उनका पाथवे बताता था मून तो अभी इलेक्ट्रिसिटी के बाद तो अभी सब जगह लाइट्स है तो कोईनेंस के कारण कन्फ्यूज़ हो जाती है और लाइट्स की वजह में अट्रैक्ट हो जाती है तो तभी आप उन्हें पकड़ सकते हो तो अगर आप घर से बाहर नहीं निकल सकते तो आप एक ही चीज़ कर सकते हो कि घर कि के सब लाइट बारिश होने के बाद ऑन करके बैठ जाओ क्योंकि बिजली का बिल तेरा बाप भरेगा तो बेसिकली अगर आप घर पे पर हटके और आपको क्वेन पकड़ने हैं तो आप इससे ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते क्योंकि आगे जो जगह मैं बताने वाला हूँ उसके लिए आपको बाहर जाना पड़ेगा तो अगर आप ग्रीन जोन में हो तो फिर ही इधर ऐसी जगहों में जाके चेक कीजिए कि बाद में आपको कोरोना हो गया तो हमारे पे नाम ही आना चाहिए कि मैंने बोला तो आप एंड्स पकड़ने निकल के बाहर तो गाइस जो अगला जगह आपको देखना चाहिए क्विन एंड्स के लिए वो है कारों के ऊपर तो कार्स तो आपको, आपको आपके घर के बाद में इजीली मिल जाएंगे तो क्विन एंड्स कार्स पर क्यों अट्रैक्ट होते हैं तो ये भी वही लाइट का फंड है तो कार्स के जो सर्फेस होती है बहुत रिफ्लेक्टिव सरफेस होती है शाइनी होती है चम चमकीली होती है तो लाइट उस पर ज़्यादा रिफ्लेक्ट होती है तो क्वीन एंड उससे और ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं और कार्ड्स पे आपको क्वीन एंड पकड़ना ज़्यादा ईजी रहेगा और अगर आप ज़्यादा दूर नहीं जा सकते तो आपको घर के बाद में एक कार्ड मिल जाएगी तो आप कार्ड्स पर ईजिली एंड पकड़ सकते हैं अभी जो अगला जगह है जहाँ आपको एंडस के ढूंढने जाना चाहिए वो आपके नेबरहुड में आप एक छोटा सा वॉक जाइए आपके नेबरहुड में और पहले देख लीजिए कि आप बाहर जाना अलाउड है आपके पेरेंट्स आपको अलाउ कर रहे हैं और मास्क मत भूलिए कि किरोना कैन बी एनी वेयर तो आपके नेबरहुड में एक छोटा सा वक्त जाइए फ़्लाइट्स के टाइम तो जो टाइमिंग्स पे आपको बाहर रहना चाहिए वो है सेवन पी एम टू नाइन पी एम क्योंकि इस टाइम पे एक्चुअल फ्लाइट चालू रहेंगे और आपको क्वींस मिलेंगे और सुबह के अराउंड फाइव टू सेवन थर्टी तक क्योंकि इस टाइम पे जो होता है जो फर्टाइल क्वींस रहते हैं विंग्स शेड करने के बाद विंग्स शेड करने के बाद नए जगह सुनते नेस्टिंग के लिए तो उस टाइम पर आपको क्वींस मिल सकते हैं तो मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ कि अगर आप इस टाइमिंग्स पे क्विनस दोनों जाओगे तो आपको इजीली बहुत सारे नए और इंटरेस्टिंग स्पीशीज़ मिलेंगे और मुझे खुद इस साल बहुत सारे, सारे नए और इंटरेस्टिंग स्पीशीज़ मिले जिनके बारे में मैंने सोचा भी नहीं था तो मैं आपको वीडियो के एंड में दिखाऊँगा तो जो अगली जगह आपको देखनी चाहिए क्वीन एंड्स के लिए वो है अंडर दी रॉक्स जैसे दिसकी ऑन दी रॉक्स क्वीन एंड्स अंडर दी रॉक्स पता था लेम था तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि क्वीन एंड्स नक्शल फैट्स के बाद अपने विंग शर्ट करके रॉक्स के नीचे जाके अपना क्लास्ट्रल सेल बनाती है तो आपको अगर अब ए सीज़न में आपको कोई क्वीन नहीं मिली होगी तो फिर आप रॉक्स के नीचे कोई एंड ढूंढ सकते हो पर मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि अगर आपको नमचरल फेट्स में कोई क्वीन नहीं मिलेगी फिर ही करें कि जो क्वीन एंड होती है वो पहले रॉक के नीचे सेटल हो चुकी होती है अपना क्लास्टर सेल बना के एग्स भी दे चुकी होती है तो जब भी आप उसको जगह से निकालते हो तो बहुत स्ट्रेस होगी तो अगर आप उसको एक्सट्रैक्ट करें उस जगह से तो आप उस जगह से उसका सब रूट भी निकाले ये भी देख लें कि उसका सब रूड निकालते उस जगह से थोड़ा सॉइल भी निकाल लें ताकि उसको उसके घर जैसे जैसे लगे आपके नए टेस्ट ट्यूब में तो अगर आप ये सब सही से करते हो तो फिर कोयन को ज़्यादा स्ट्रेस नहीं होना चाहिए तो उसको एक्सट्रैक्ट करने के बाद एक हफ्ते उसको आप डाक में रख दीजिए ये सब आपको करना चाहिए क्योंकि कोयनन्ट स्ट्रेस ना हो तो अगर मेरे को आपको बस इतना ही बताना था कि आप कोयनन्ट्स कहाँ कहाँ पकड़ सकते हो तो मैं भी आपको कुछ नॉन एडवाइजेबल और एडवाइजेबल स्पीशीज़ के कोइन्स दिखाऊंगा बिगिनर्स के लिए छोटा सा लिस्ट था एडवाइबल और नॉन एडवाइबल कॉमन एंड्स जो आपके एरिया में इजीली मिल जाएंगे तो जो नॉन एड एडवाइजेबल में है वो एंडस उसके उस लिस्ट में क्योंकि वो इन्वेजिव है और बहुत जल्दी ग्रो होते और नेचुरल इकोसिस्टम में बहुत इफेक्ट करते हैं इसलिए मैंने उनमें नॉन एडवाइजेबल में, में रखा है और तो मैं भी अपने इस साल के थोड़े कैच दिखाना चाहूँगा तो ये इस साल के कुछ कैचेस हैं मेरे इसलिए मैंने हर स्पीशीज का एक क्वीन रखा है मेरे पास हर स्पीशीज के और भी बहुत सारे क्वीन्स हैं जिसको मैंने अलग से रखा है तो ये कुछ स्पीशीज में दिखाना चाहता था, था तो पहले वाली क्वीन वो है हमारी कैम्पनोटस कॉम्प्रेस इसे गॉडजीलैंड भी कहते हैं ये बहुत कॉमन है तो ये बहुत बड़ी क्वीन अराउंड टू सेंटीमीटर्स तो मेरा नेक्स्ट क्वीन जो है वो कैम्पा नोटस एडेंस जिसकी कॉलोनी थी मेरे पास लास्ट ईयर की जो कॉलोनी अभी भी है और ये एक बहुत इंटरेस्टिंग कैच है क्रमाटो का स्टोर भी रोए कलर की एंड के इसके वर्कर्स भी येलो कलर के होंगे और ये एक रेड कलर का के, क्रेमेंटो है तो ये ये भी मेरे पास लास्ट नहीं थी तो सर मैंने नया पकड़ा और जो मेरे विश लिस्ट में बहुत सारे दिनों से था एक फर्टाइल फीडर क्वीन तो मेरे को ये क्वीन बहुत फर्टाइल लगती है मेरे मैंने और भी अराउंड टेन फोल्स पकड़े पर वो सब इनफर्टाइल लग रहे तो थोप्सो की ये भी फर्टाइल निकलेगी तो गाइस ये मेरी कैंपन और रिटर्न की कॉलोनी है आप देख सकते हो कि बहुत अच्छा खासा ग्रो हो रहा है इनके पास सभी बहुत सारा काकस है तो मस्त में ग्रो हो रहे और गाइस मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहूँगा कि आप एक कॉलोनी कभी भी एक्स्ट्राक्ट मत कीजिए अपना फिल फेक्स के टाइम पकड़े हुए कोईन से कॉलोनी रेस कीजिए तो गाय आज के वीडियो के लिए बस इतना ही तो वीडियो खत्म होने के पहले मैं आपसे थोड़ा बात करना चाहूँगा तो हम लोग का एक छोटा सा कम्युनिटी इंस्टाग्राम पर तो अगर आप एक एंड कीपर हो तो हमारे कम्युनिटी ज्वाइन कर कम्युनिटी ज्वाइन करना चाहते हो तो मेरा इंस्टाग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा तो आप मुझे मैसेज कीजिए मैं आपको ऐड कर दूँगा और अगर आपको कोई हेल्प चाहिए एंड कीपिंग रिलेटेड तो आप मुझे मेरे ईमेल आईडी पे मेल कर दीजिए मैं आपको मेरा व्हाट्सअप नंबर दे दूँगा और मैं आपका कितना आपको कितना हेल्प कर पाओ उतना हेल्प कर पाऊँगा और आपको एक गूगल फॉर्म भी मिल जाएगा जो हम लोग नक्शल फ्लाइट्स इस साल की जो नक्शल फ्लाइट्स है उसका स्टडी करने वाले तो अगर आप भी एक एंट की पड़ो तो आप उस फॉर्म को फिल कर सकते हो आपने जो जो कोई एंट पकड़े कहाँ कौन कहाँ पकड़े कौन से टाइम पे पकड़े और मैं मेरे दोस्त एक सौ और एंड सर्टिक इंडिया को शॉर्ट देना चाहूँगा मुझे वीडियो बनाने में फुटेज देने के लिए और मेरे फ्रेंड एंड सिड्डिक इंडिया ने एक नया चैनल खोला आपको उसे ज़रूर चेक जिसका उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा तो होप सो कि आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में